हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और गाइस, आज हम अपनी छत पे, और गाइस आज सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप सभी को लेके जाता हूँ आज भोलेनाथ जी के दर्शन पे। तो चलो गाइस, जल्दी से चलते हैं। देखा गाइज आपने, कितने छोटे छोटे बच्चे भाई भगवान की पूजा कर रहे थे। तो भाई मुझे आज काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी भाई। तो भाई आज तो मंदिर आना सफल हो गया इतने छोटे छोटे बच्चों को पूजा करते देख के। तो सनातन धर्म भाई बढ़ रहा है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। सो गाइज, अब हम कर रहे हैं लाला का वेट और हम जाएंगे एक और मंदिर में। हमारी स्कूटी निकाल ली है भाई, जा गया लाला। और भाई हम जा रहे हैं स्कूटी पे, लाला स्कूटी चलाने लग रहा है। चला भाई पैर में पानी लग गए। काफी भीड़ है भाई। सो गाइस, आ गए हैं यहाँ मंदिर में और देखो कितनी लंबी लाइन लग रही। यो कावड है, डाक कावड काफी बढ़िया है। उड़े खेलने का भाई बालका का मेरा टाइप भी लग रहा है। देखो कितनी कावड़ चढ़ रही और ऊपर से पानी आने लग रहा। सो भाई लाला जल चढ़ाया है भाई, यहाँ क्या घूम रहे हैं? हाँ पांडे, तू चढ़ाया भाई जल? गर्मी लग रही है, बंद होंगे रे। बैंक बंद आज, छुट्टी है आज की भाई। हम तो जल चढ़ाए थे सुबह सुबह ही, आपको जैसा दिखाया था। और यहाँ पे हम शाम को भी आऊंगे, शाम का भी दिखाऊंगे। अब ये देख लेना, कंपैरिजन कर लेना भीड़ की। आज देखो कितनी भीड़ हो रही है, शाम को दिखाता हूँ मैं। दो चार बंदे ही पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और भाई वहाँ का जो मिकी माउस है ना भाई, इसमें मेरा पांडे का हम तीनों झूलन का मन है, पर कोई झूलन नहीं देता, पता ना क्यों भाई, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। ऐसा बड़ा होना हमें अच्छा नहीं लगा। दिल तो बच्चा है। अरे देखा है तूने फोन रात का? कौन सा फोन? सवेरा होगा। सवेरे? हाँ वो एक आधी बार लेट हो जाए तो। भाई एक फोन ऑर्डर करा था, वो भाई कल की डिलीवरी थी, पर आज की होगी, वो थोड़ी लेट होगी, डिले होगी, बारिश की वजह तो होगी होगी। तो भाई यहाँ पे एक कुआ भी है, ये देखो लाला कूद जा इसमें, 50 रुपए का इनाम। सो गाइस, हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन दुर्शन करके। और भाई अब हम जा रहे हैं हेलमेट लेने। कल आपको कहा था हेलमेट लेंगे भाई, जो हेलमेट मैंने ऑनलाइन देखा था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वही मेरे को एक दुकान पे मिल गया। तो जल्दी से जाते हैं हेलमेट लेने। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ खरखोदे का एक स्पेशल वाटर पार्क। नाम क्या है पंडे? पायरेट्स किंगडम नाम भाई उसका। टिकट? टिकट क्या रुपये की है? 700 रुपये टिकट है भाई। और देखो यू आ गया, वैसे इसके एंट्रेंस भी दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी से जल्दी। जो है गाइस इसके एंट्रेंस द पायरेट्स किंगडम। चलो चलते हैं। और ये गए भाई डाका और यात्री। गाइस अमन ने उतारे हैं भाई लाइब्रेरी में और हमने ले लिया हेलमेट। घर पर जाकर इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आप सभी से। अभी तो हम स्कूटी में आगे रख रहे हैं, घर आ जाकर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आर यू रेडी? और ये हमारा नया हेलमेट, स्टील वर्ड हेलमेट गाइस। ये देखिए, ये देखिए। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए गाइस, ये 1099 लिखा हुआ है, मेरे को मिला भाई ये 900 रुपये का, जस्ट 900 रुपीज। और अभी इसको करते हैं, खोलते हैं इसको जल्दी से। यस, तो गाइस को खोल लिया है यहाँ से विद द हेल्प ऑफ माई चाबी। तो
और गाइस चाबी का छल्ला देख लो, इस पे लिखा हुआ है जय श्री श्याम। और गाइस इसको खोलते हैं, 1 2 3 4। यस, और ये निकल गया गाइस हमारा हेलमेट, काफी भारी है। और ये गाइस एयर वेंटिलेशन है इसके ऊपर, ये देखो एयर वेंटिलेशन। और वापस इसको करेंगे तो बंद भी हो जाएगा, कहाँ गया ये देखो बंद हो गया ये। और ये एक यहाँ पे एयर वेंटिलेशन, इसको खोलेंगे तो इसकी आँख खुल जाएगी, खुल गई आँख, आँख बंद, खुल गई आँख बंद। तो ये है गाइस हेलमेट, और ये इसकी बैक साइड से स्टील वर्ड ISI। और इसके अंदर खास चीज़ क्या है, एक तो ये शीशा इसका जो हर एक में हेलमेट में होता है, और दूसरा गाइस इसमें एक और शीशा फॉर सनराइज के लिए, काफ़ी बेहतरीन सनशील्ड प्रोटेक्शन। तो गाइस ये हमारा हेलमेट, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो अब हम चलते हैं अपने काम करने, थोड़ी देर काफ़ी देर घूम लिए हैं, काम करने के बाद मिलते हैं दोबारा से व्लॉग में। सो गाइज हम वापस से एक बार फिर से मंदिर में आ गए हैं भाई, घर पर गए थे दोपहर को, फिर सो गए, फिर भाई अब थोड़ी देर पहले उठे थे और अब फिर मंदिर में। कहा था मैंने आपको शाम को भी दिखाऊंगा मंदिर। ये होता है भाई जामुन का पेड़, जामुन बहुत सारे नीचे टूटी हुई है, अब तो भाई ख़त्म ही होगी। और ये देख लो भाई पानी कितना भरा हुआ है, और आज देखो अब भीड़ बिल्कुल कम, मैंने कहा था ना भाई शाम को बिल्कुल कम हो जाएगी आधी। और ये अमन हो रही है, मन चलने लग रही है, आगे आगे बारिश आ गई, बारिश आने वाली है भाई, तो हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा एक चक्कर काट के। चलो जल्दी से फटाफट चलते हैं। भाई वह 2 मिनट की बारिश थी और हम आ गए अड़े पार्क में अपने करकोदा जी। अब थोड़ी देर यहाँ सैर करेंगे और फिर जाएंगे घर। बालक करिंग फन, सुगाइज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए हैं, काफी थक गए हैं, काफी पुलअप्स कर लिए हमने और बारिश आ रही धीमे धीमे। अरे हाय सेक्सी, मौसम ओपी। सो गाइस इस छोटे बालक को देखना आ रहा हूँ मैं, देखियो कितनी फुर्ती छोटे बालक में, पड़गा बेचारा। उप्स होगी भाई के साथ, उप्स होगी ना भाई, वो छोटा भाई फिर प्रैक्टिस करा दी गए, तू पूरा चक्कर काट गया था यो दया हिमंत ने नजर लगा दी गए। उप्स होगी बेचारे गला, बेचारा मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा बाज का। कोई ना छोटे भाई पांडे एक चक्कर तू भी मार गया देख भाई। नरा वो हो रहा तू डैश फील कर ले। सो गाइस घर जा ही रहे थे तो देखो यहाँ पे कावड़िया भी है, पता नहीं ना अभी तक जल क्यों ना चढ़ा है। अंडे तो नहीं कुछ भी रहा, ये देखो गाइस डाक आउट जा रही है। सो गाइस पार्क में से आ गए हैं और अब हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का समय। तो वो लोग अच्छा लगा तो वो लोग को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, जय श्री राम। Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me.